एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आप लोग क्लास 12 में डियर स्टूडेंट आप इन करने वाले हैं और आप लोगों को आप क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए डेमो क्लासेस चल रही है। अगर आप अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट क्लास 12 में परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाएँ और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को यानी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और बेहतरीन तरीके से क्लास 12 की तैयारी करें। सो डिस्टन, मैंने आप लोगों को पिछला कई वीडियो में आप लोगों से ये बताया था, जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री का चार टॉपिक देखे थे यानी चार लेक्चर देखे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी सेक्शन देखे थे, फिर हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम लोग वॉल लाइनर क्वेश्चन देखे थे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखे थे। तो इसी तरह से डिस्टन आप लोगों को हर एक चैप्टर में आप लोगों को चार चार वीडियो मिलने वाले हैं, यानी आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाए जाएंगे। मैं प्रोमिस करता हूं कि अगर आप कहीं कोचिंग लिए हैं या कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वादा करता हूं ट्यूशन उससे कई गुना बेटर होगी। बस आप लोग इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूले। साथ ही साथ ट्यूशन अपने उस फ्रेंड को इन्वाइट करें जो क्लास 12 में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। सो ट्यूशन, इसी के मुताबिक मैं आज जो लेकर आया हूँ वो सबसे पहले क्लास 12 होगी। क्लास 12 का आपका पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक नंबर 1 लेकर आया हूँ, जहाँ पे डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी सेक्शन। क्या देखेंगे आज? थ्योरी सेक्शन। आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, जो बंदा एडमिशन ले चुके हैं उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही आप वीडियो को नीचे देखेंगे, जैसे ही वीडियो मिलेगी उसके नीचे आप लोगों को क्लास खत्म होते हुए आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी बच्चा एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जो बच्चे एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूँ ट्यूशन कि एक बार आप लोग एप्लीकेशन पर एडमिशन लेकर देखिए, मिनिमम फी है, एकदम कम से कम फी में ट्यूशन आप पूरे साल भर की तैयारी कर सकते हैं, वह भी ऑल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आप आर्ट्स का जितना भी टॉपिक है आप लोगों का ए टू जेड, सिर्फ उर्दू और आप लोगों का संस्कृत नहीं करवाए जाएंगे, बाकी आर्ट्स का ए टू जेड टॉपिक आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर 1 है रोशन, यहाँ पे आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर 1 क्यों इंपॉर्टेंट है इसके भी इसको भी पता होना चाहिए, क्योंकि रोशन इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को 8 नंबर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर, सभी क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन को इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए डिस्टन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। साथ ही साथ डिस्टन आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल डिस्टन आप लोग घबराए नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टन कि आप लोग जल्दी से जाएँ प्ले स्टोर से सर्च करें। पहला जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वो उनका पहला टॉपिक का नाम है आप लोगों का शीत युद्ध का दौर। और इससे कई पिछला वीडियो में डिस्टन हम लोगों ने सिलेबस के बारे में देख रहे थे, यानी 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो कौन सा सिलेबस है, जो हमें कौन सा टर्म 1 में स्टडी करना है, कौन सा हमें टर्म 2 में स्टडी करना है, सभी को मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से डिस्टन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देखें। सो डिस्टन, पहला टॉपिक का नाम है शीत युद्ध का दौर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे शीत युद्ध का दौर। इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कशन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट को देखने के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आप लोगों का होगा ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग वॉल लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डिस्कशन कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। आप लोग डिस्कशन वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूले। और ये एक ही वीडियो डिस्कशन, यही एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ डेमो के रूप में मिलने वाला है। याद रखेंगे, डेमो के रूप में सिर्फ आप लोगों को एक ही चैप्टर देखने को मिलेंगे YouTube में, बाकी जितना भी टॉपिक होगी सभी का सभी टॉपिक आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाले हैं, यानी हमारे ऐप के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो चलिए एडिशन हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक का नाम है कि शीत युद्ध का दौर। क्या नाम है पहला टॉपिक का? शीत युद्ध का दौर। एकदम बेहतरीन तरीके से अपने भाषा में इसको समझने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्कशन कि इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि आप चुटकी में इसका आंसर कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वॉल लाइनर हो या सब्जेक्टिव, क्योंकि डिस्कशन थ्योरी पार्ट अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो वॉल लाइनर क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप इजिली से कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कशन आप लोग देखिए
कितना बेहतरीन तरीके से मैंने एक एक बात को रेशन यहाँ पे लिखने की कोशिश किया हूँ। इन सब का पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह राजनीतिक शास्त्र क्या होता है। थोड़ा वीडियो को डिस्टेंट ध्यानपूर्वक देखिए और अपने आँख के सामने डिस्टेंट बेहतरीन तरीके से इस तरह से अपना मोबाइल को रखें और कॉपी कलम लेकर बैठे और एक एक बात को नोट करें, क्योंकि डिस्टेंट ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राजनीतिक शास्त्र क्या है, पहला टॉपिक जो यहाँ पे आता है वह है राजनीतिक शास्त्र क्या है। राजनीतिक शास्त्र के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं। इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, यानी बच्चों की तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। राज्य प्लस नीति, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, राजनीति। अब देखते हैं कि राज्य किसे कहते हैं और नीति किसे कहते हैं, इसको डेफिनेशन हम लोग को पता होना चाहिए। राज्य का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। यानी राज्य का मतलब होता है शासन करना और नीति का मतलब होता है उचित समय के साथ साथ उचित स्थानों पर कार्य करना या कला करना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर टू। अभी हमने सिर्फ आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूँ, आप लोगों का सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूँ कि राजनीतिक शास्त्र क्या है, राजनीति क्या है, जो हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना थोड़ा सा चाहिए, फिर हम लोग टॉपिक की ओर मूव करेंगे। वह विज्ञान जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन कराता है। यह एक ऐसी भी विषय है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। यानी राजनीति के माध्यम से ही हम भारत का नागरिक कहलाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया का नागरिक कहलाता है, कोई अमेरिका का नागरिक कहलाता है। किस लिए, तो राजनीति किसके अंतर्गत, तो राजनीति के अंतर्गत याद रखेंगे। तथा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य का ज्ञान कराता है। अब हमें मौलिक अधिकार, जैसे हम लोग 6 प्रकार के मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, जैसे समानता का अधिकार, राजनीतिक अधिकार हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरह से हम लोग 6 टाइप के हम लोग मौलिक अधिकार हमारे सरकार ने हमें प्रोवाइड किए हैं। और एडिशनल मौलिक कर्तव्य हम लोगों को सरकार ने 11 मौलिक कर्तव्य प्रोवाइड किए हैं। दोनों को आप लोगों को पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार 6 और मौलिक कर्तव्य 11, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप, लेकिन आपको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कुल मिला के बोलने का मकसद ये है कि अगर हमें राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करना है तो इसका छोटा सा एक डिफिनेशन ये है कि हमें ये अवगत कराता है किसका, तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि नागरिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि नागरिक शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि नागरिक शास्त्र का पिता हम लोग कहते हैं किसको, अरस्तु को। ठीक है, यह यूनान का रहने वाला है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान की। सो डिस्टेंट आप लोग जल्दी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि डिस्टेंट आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी माह में होगी, ये सभी को पता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना होगा। यहाँ पे आप लोगों को डिस्टेंट 4 टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कितना टाइप का, 4 टाइप का। तो पहला जो टाइप होगी वो आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा थ्योरी, क्योंकि थ्योरी के बिना सब कुछ अधूरा है। पहला आप लोगों को पढ़ना होगा थ्योरी, दूसरा में आप लोगों को पढ़ना होगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप लोगों को पढ़ना होगा क्या, वन लाइनर क्वेश्चन। क्या पढ़ना होगा, वन लाइनर क्वेश्चन। फिर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डिस्टेंट यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों डिस्टेंट, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप क्लास 11 का एग्जाम दिए थे उस समय आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एग्जाम हुआ था किसका, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ एग्जाम हुआ था। पर हाँ, क्लास 12 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 4 प्रकार के टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला थ्योरी होगी, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर वन लाइनर, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने गए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 3 टाइप की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन याद रखेंगे स्टूडेंट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो जी स्टूडेंट, इतना प्रकार के आपके एग्जाम में आप लोगों का एग्जाम होगा, आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगी, सभी को पता है कि 40 मार्क्स का आपको टर्म 1 में एग्जाम होगा और 40 मार्क्स का आप लोगों का टर्म 2 में एग्जाम होगा। ठीक है, और आप लोगों का 20 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। याद रखेंगे, फर्स्ट टर्म में आप लोगों का 40 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोगों का 40 मार्क्स का आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, और 20 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा,
प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल, इन सब को ट्रेडिशनल आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो एक काम आप लोग जरूर करें, क्योंकि ट्रेडिशनल आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम लगे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी तैयारी करवाई जाए। तो क्या करना होगा इन सब को परचेस करने के लिए ट्रेडिशनल, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में क्या करना होगा, मिसाइल क्लासेस, क्या करना होगा, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे ट्यूशन आप सभी को टॉपिक बाय टॉपिक, सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी सेक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, फिर वन लाइनर क्वेश्चन, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ट्यूशन आप लोगों को तीन टाइप के क्वेश्चन होगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन। यानी एग्जाम से पहले ट्यूशन इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाए जाएंगे, प्रॉमिस करता हूँ कि ट्यूशन एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको छूटने वाले नहीं है, चाहे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए। क्योंकि ट्यूशन ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ से, यहाँ आप देख रहे जितना भी कंटेंट हमारे यहाँ पे, ये कंटेंट को बनाने में हम लोगों को लगभग 4 साल लग गया है। कितना साल? तो 4 साल से ये कंटेंट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली 2023 में ये पूरा हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि आप लोगों के साथ हमारे पूरे टेक्निकल टीम आप लोगों के सपोर्ट में है। तो चलिए एडिशन हम लोग बारीकी से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, क्या पहला टॉपिक का नाम क्या था, शीतयुद्ध का दौर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कोल्ड वार, यानी शीतयुद्ध क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शीतयुद्ध क्या है, ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, एक एक बात को हम लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि शीतयुद्ध किसे कहते हैं। थोड़ी सी बात में देशन में आप लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन देना चाहता हूँ शीतयुद्ध का, मतलब बस इतना याद रखना कि झगड़ा होने की संभावना होती है, झगड़ा होता नहीं है, फिर आप लोगों का याद रखेंगे विद्रोह होने की संभावना होती है, विद्रोह होता नहीं है, ठीक है। बस छोटी सी एक लैंग्वेज है देहाती भाषा में, फिर आप लोगों को तो डेफिनेशन राजनीतिक भाषा में पढ़ना ही पड़ेगा। देखते हैं, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्वयुद्ध कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एक बात को नोट करें, क्योंकि एग्जाम में ट्यूशन आपका 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मैं वादा करता हूँ ट्यूशन कि आप लोग 40 मार्क्स में 40 मार्क्स लाएंगे, पर शर्त है कि चैप्टर 1 से लेकर इन पोजिशन तक देखें, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ट्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को स्टडी कराए जाएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1939 से लेकर 1945 तक आपका हुआ था द्वितीय युद्ध, याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वार याद रखेंगे वर्ल्ड वार, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत संघ का मतलब सभी स्टूडेंट को पता नहीं है, मैं बताऊँ रूस को हम लोग कहते हैं, सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव, टेंशन और स्ट्रेट की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय क्या हुआ था, पूरे विश्व में दो देश थे जो एक दूसरे पर तनाव बन गए थे, क्या कौन कौन से देश, अमेरिका और रूस। दूसरे शब्दों में शीत युद्ध होने की पूरी संभावना हो, युद्ध होने की पूरी संभावना हो लेकिन फिर भी युद्ध ना हो, यही शीत युद्ध कहलाता है। यानी युद्ध जो है मारपीट होने की संभावना होती है पर मारपीट होती ही नहीं है, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में याद रखेंगे शीत युद्ध, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं कि शीत युद्ध का दौर, अब शीत युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, एक एक बात को ध्यान से देखें, ठीक है। पहला टॉपिक, पहला जो आपका सेंटेंस है कि शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, बिल्कुल खूनी लड़ाई भी हुई लेकिन इस संकटों और लड़ाइयों से तीसरे विश्व युद्ध नहीं हुए, यानी इतना कठिन कोई मारपीट या झगड़ा या विद्रोह नहीं हुआ कि तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, दोनों महाशक्ति कौन कौन, तो याद रखें कोरिया, बर्लिन, कांगो, कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, यानी कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जो है ये देश है, इसमें व्यापक हानि हुई थी, हानि मतलब लॉस हो गया था, क्योंकि महाशक्तियों के सहयोग राष्ट्रीय युद्ध में संलग्न थे लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा गए थे, परमाणु युद्ध से क्या थे, बच गए थे। आगे चलकर दोनों महाशक्ति ने युद्ध की भयावह परिणाम के डर से आपस में समझौता कर लिया। अब दोनों देश को पता था कि हम लोग युद्ध करेंगे तो हम ही लोग को नुकसान होगा, याद रखेंगे शीत युद्ध का मतलब, फिर से मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताऊं, मारपीट होने की संभावना हो पर मारपीट ना हो। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, मेरा और मेरा दोस्त के साथ अगर मारपीट होगी तो दोनों का हाथ पैर टूटेगी, ठीक है, दोनों हम लोग क्या शक्तिशाली है तो दोनों का हाथ पैर टूटेगी, लेकिन हम लोग अगर समझौता कर लेते हैं कि देखो इस कारण से लड़ाई हो रहा ना, इसका सोल्यूशन निकाला जाए, हम लोग अगर बैठ कर अगर उनका सोल्यूशन निकालेंगे तो याद रखेंगे ट्यूशन यहाँ लोग सोल्यूशन को अगर सही तरीके से कर लेंगे तो कोई भी युद्ध नहीं होगी, कोई भी हमें जनमाल की हानि
नहीं होगी। तो यही बात कह रहा है। और दोनों देश के पास जिसमें परमाणु हथियार थे, कोई भी देश, सब दोनों देश को ये डर लगा रहता था कि अमेरिका रूस पर हमला ना कर दे और रूस अमेरिका पर हमला ना कर दे। इसी कारण से क्या किया, दोनों देश ने समझौता किए। क्या समझौता किए थे, तो आगे देखते हैं कि बात को। शीत युद्ध के शुरू होने के पीछे क्या कारण, अब देखते हैं कि शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे आपको रीज़न पता होना चाहिए कि शीत युद्ध जो थे इसके शुरू होने के क्या कारण थे, क्यों शीत युद्ध हुआ, आगे देखते हैं। पहला पॉइंट, सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, मैंने अभी जस्ट बताया था, याद रखेंगे डेट आपको याद रखना है, तक चला। मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे, जबकि धुरी राष्ट्र का कमान जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में था। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री में आता है कि इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध रोम के बाहर के इलाकों में भी फैला था। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, फैलाव मतलब कहां से कहां तक इसका डिस्टेंस थे, म्यांमार, भारत के पूर्व उत्तर कुछ हिस्सों तक था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया। ये सेंटेंस को रिस्टोरेंट आप बहुत ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस जो मैं आप लोग अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के किस शहरों में बम गिराया था, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और जापान के आत्मसंपन्न कर दिया तथा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। अब अमेरिका जैसे ही अब जापान पर बम गिराए परमाणु बम, एक कहाँ पे, एक नागासाकी पे और एक हिरोशिमा पे, तो वहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया, शीत युद्ध का, याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और यहीं से स्टार्ट हुआ था क्या, शीत युद्ध। जर्मनी तथा जापान हार चुके थे। अब इस शीत युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसमें जर्मनी और जापान जो है वो हार चुके थे। यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस मार झेल रहे थे और जो यूरोप जो कंट्री है वो यूरोप और अलग अलग विश्व के अलग अलग देश विध्वंस के मार झेल रहे थे, यानी कष्ट से जूझ रहे थे। आगे दिया है कि अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने का होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। अब दोनों देश एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना क्या हुआ, इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। अब दोनों देश एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा हो गया कि नहीं, अब हम दोनों को लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने के लिए डिस्टेंट आप दोनों के लिए, आप दोनों देशों के पास परमाणु बम थे और दोनों को ये डर लगा रहता था कहीं हमें अमेरिका रूस पर हमला ना कर दे और रूस अमेरिका पर हमला ना कर दे। आगे देखते हैं, एक एक बात को आप लोग को ध्यान से सुने आसान शब्दों में और संक्षेप में कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। अब डिस्टेंट हम लोग देखे थे, वो जो लैंग्वेज देखे थे वो आपका राजनीतिक यानी पॉलिटिकल लैंग्वेज थी। अब हम लोग देखते हैं साधारण भाषा में, क्योंकि डिस्टेंट शीत युद्ध से क्वेश्चन आप लोगों का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है, शीत युद्ध क्यों समाप्त हो गया है, शीत युद्ध का समाप्त होने के क्या क्या रीज़न थे, ये सब पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन को देखते हैं। आसान शब्दों में और संक्षेप में शीत युद्ध का अर्थ, अब हम लोग देखते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ, जब दो या दो से अधिक देश, क्या होगा, दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाए जिससे लगे कि युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो, ऐसा लगता है कि युद्ध होने को रहेगा पर युद्ध ना हो, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शीत युद्ध। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है, इससे ही शीत युद्ध हम लोग कहते हैं। पर एग्जाम में जैसे आपसे पूछे कि आपका शीत युद्ध क्या है तो आपको डेफिनेशन ये लिखना है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जब करवाऊंगा रेशन वहाँ पे बताऊंगा कि शीत युद्ध का अर्थ कैसे लिखना है आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब लिखना होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद शुरू हुआ था। सभी को पता है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद क्या रूप ले लिया है, शीत युद्ध का रूप धारण ले लिया है। ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था, ये किसके बीच था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। एकदम साधारण भाषा में शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच रहा। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था, तो शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला था, ये आपको पता होना चाहिए शीत युद्ध, ठीक है। आगे देखते हैं शीत युद्ध के अंत होने का मुख्य कारण थे। अब शीत युद्ध का अंत होना, अब शीत युद्ध जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो कभी ना कभी जो आपका शीत युद्ध है वो भी तो समाप्त होगा ना, तो इसके पीछे समाप्त होने का क्या कारण थे, तो एक ही कारण था क्या, सबसे इंपॉर्टेंट कारण था, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, यानी रूस का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। चलिए आगे देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं,
समझ में अगर नहीं आ रहा डेशन तो कमेंट करें, और समझ में आ रहा तो वीडियो को दबाकर लाइक ठोके, क्योंकि डेशन ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये 4 साल से हमारे पूरे टेक्निकल टीम लगे थे ताकि डेशन में आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, और हम लोग पूरा मिलकर पूरा स्टूडेंट पेरेंट्स टीचर्स मिलकर हम लोग पूरा झारखंड को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्यूशन झारखंड सबसे गरीब राज्य के सूची में आते हैं। हम लोग चाहते नहीं हैं कि ट्यूशन गरीब राज्य के सूची में झारखंड आए, तो झारखंड को बदलने के लिए ट्यूशन सिर्फ एक ही रीज़न है, क्या आपका बदलने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है शिक्षा को जागरूकता लाना। पर हम लोग एडिशन शिक्षा से बहुत दूर चले गए। मैं पेरेंट्स से यही विनती करता हूँ दिन रात कि आप लोग अपने बच्चों को स्टडी कराएं, बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करवाएं। चलिए देखते हैं कि आरोधक यानी रॉक और संतुलन। अब ये टर्म आप लोग नया सुन रहे हैं कि रॉक और संतुलन क्या है, तो देखते हैं। परमाणु युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विजेता कौन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अवरोधक। यह तय करना भी असंभव है। अब दोनों देश के बीच अगर मान लेते हैं मारपीट होगी, कौन जीतेगी यह संभावना हम लोग ये तय नहीं कर सकते हैं। कोई भी जीत सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, परमाणु हथियार। क्योंकि दोनों महाशक्तियों के पास इतने परमाणु हथियार थे जो एक दूसरे के विनाश कर सकते थे। दोनों देशों के पास इतनी सारा परमाणु संख्या थी कि वो दोनों देश एक दूसरे को विनाश कर सकता था। दोनों ने इस बात का सामना समझा और युद्ध रोकथाम करने का प्रयास किया, जिससे अवरोधक कहते हैं। और दोनों देश इस बात को समझे कि अगर हम लोग मारपीट करेंगे तो आपका भी हानि होगा और मेरा भी हानि होगा, तो क्या करते हैं हम लोग दोनों मिलकर एक समझौता करते हैं, और समझौते के माध्यम से विश्व में इसी युद्ध को रोक दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये युद्ध कब से कब तक चला था, याद रखेंगे 1945 से लेकर 1991 तक चला था, ये भी आपको डेट याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ। अब देखते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व है वो क्या है, ये आरंभ क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है डेशन, तो लॉन्ग रहने से क्या होगा, आप लोगों का मार्क्स भी तो इसमें ज़्यादा आएगा ना, 7 से लेकर 10 मार्क्स का सिर्फ इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना ये टॉपिक, तो ध्यान से देखें। समझ आ रहा ना बतवा तो होने के, एकदम बतवा का अच्छा से बुझाई और अच्छा से इसम समझी कि पढ़ के एकदम अच्छा मार्क्स लाई और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कराई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोनों महाशक्तियों विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना दबदबा बनाने में लगा था। अब दोनों देश को यह समझौता हो गया, मान लेते एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, ये पूरे विश्व क्या है, ये पूरा विश्व, इधर मान लेते हैं बहुत सारा देश है, इधर भी बहुत सारा देश है, इधर मान लेते हैं रूस है और इधर मान लेते हैं क्या है, अमेरिका। अब दोनों देश डिशन ये सोच रहा है कि इन सब पे मेरा अधिकार हो, इन सब देशों पे मेरा ही अधिकार हो, इसी कहा गया कि दोनों महाशक्ति के बीच में अलग अलग हिस्सों पर अपना दबदबा बनाने में लगा था। दुनिया दो गुटों में स्पष्ट रूप से बढ़ चुकी थी, दुनिया जो है वो दो गुटों में स्पष्ट रूप से बढ़ चुकी थी। क्या बांटा था, ऐसे में किसी देश के लिए यह रास्ता था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए, और अमेरिका और रूस के पास परमाणु हथियार था, और उस समय किसी देश के पास एग्जांपल किसी देश के पास परमाणु अगर हथियार ना था तो उन लोगों को यह डर लगा रहता था छोटे छोटे देशों को, कहीं हमें अमेरिका और रूस हमें पर हमला ना कर दे, इसलिए छोटा छोटा देश जो है वो सोचते थे कि हम जल्दी से रूस के सपोर्ट में आ जाए, कोई सोचते थे हम अमेरिका के सपोर्ट में आ जाए, सभी का सभी देश ये सोच रहे थे। आगे लिखा है कि जुड़ जाने से इन देशों के हथियार और आर्थिक मदद मिलती है, और अगर हम जुड़ जाएंगे इन दोनों महाशक्ति देशों के साथ तो हमें कभी ना कभी किसी देश के साथ जब हमें हमला होगी तो हमें ये हथियार प्रदान करेंगे, जिस हथियार के प्रयोग से हम दुनिया के किसी भी देश को हमला कर सकते हैं। इस तरह महाशक्तियों के नेतृत्व में पूरी दुनिया दो खेमे में विभाजित हो गई। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका का पक्ष लिया, याद रखेंगे पश्चिमी अमेरिका के जो पश्चिमी देश थे वो अमेरिका के रूप लिया, पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश सोवियत संघ के खेमे में आ गया। यानी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि पश्चिमी यूरोप किस देश के साथ समझौता किए थे, यानी किस देश में शामिल हुआ था, तो अमेरिका। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी यूरोप किस देश के साथ सोवियत संघ के साथ, किस देश के साथ, सोवियत संघ के साथ, आपको यह सब पता होना चाहिए। बाकी हम थ्योरी पार्ट में या क्वेश्चन आंसर में या वॉल लाइनर जो क्वेश्चन होगी उसमें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका नाटो। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम पूछा जाता है 3 मार्क्स का कि नाटो क्या है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटो क्या है। तो सबसे पहले डिशन हम लोग देखते हैं कि नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म को आप लोग याद कर ली, क्योंकि डिशन ये फुल फॉर्म एग्जाम में वॉल लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का। पहला पॉइंट पे आते हैं,
अगर समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जल्दी से जाएं ट्यूशन और हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। MI याद रखेंगे, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें MI SSI मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फी ट्यूशन आप लोग मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 का पूरा भी तैयारी करें बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग देखते हैं कि जो नाटो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना किसी पश्चिमी संगठन ने 1949, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे, तो 12 देश इसमें शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका अथवा पश्चिमी देशों के आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप से मजबूत करना था। इसका एक ही उद्देश्य था, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था, अमेरिका अथवा पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक और सैनिक शक्ति के रूप में मौजूद करना, ये इसका क्या था, इसका बनाने का, इस संगठन को बनाने का मेन मुद्दा था। अगला पॉइंट पाते हैं, नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देशों उस पर हमला करेगी। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल समझे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे नाटो है, क्या है, नाटो, और नाटो में कितना देश है याद रखिएगा, यहाँ पे नाटो में मान लेते हैं आप लोगों का 12 सदस्य है, 12 देश के सदस्य है, और यहाँ पे तो पूरा देश होगा। अगर नाटो में से अगर डिस्टेंट की अगर कोई भी 12 देश में से कोई ऐसा देश हो डिस्टेंट यहाँ पे जब इन लोग पे ऊपर हमला करेंगे, कोई भी एक देश पे ऊपर जब यहाँ पे अगर हमला करेंगे तो इनके ऊपर, इस देश के ऊपर पूरे 12 देश मिलकर इस देश पर हमला करेंगे, ये कहा गया था यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो का जो गठन है वो कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन में। कब इसका स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1949, सब डेट को याद रखें, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे। स्थापना के वक्त इसमें कुल 12 सदस्य देश थे, यानी स्थापना जब इसका जब निर्माण हुआ था उस समय इसमें 12 देश शामिल थे। वर्तमान में कुल देशों की संख्या आप कितना हो गया, 30, पहले 12 देश आप इसका कुल मिलाकर कितना देश शामिल हो गए, तो याद रखेंगे 30 देश इसका सदस्य बन चुके हैं। अगला देखते हैं डिसीजन कि वर्सा पैक्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्सा पैक्ट क्या है, वर्सा पैक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एक पॉइंट को इसके बारे में भी देखते हैं। मुझे पता है डिसीजन कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो याद रखेंगे जितना भी वीडियो होगी याद रखिएगा ये 50 से 60 मिनट के अंतर्गत होगी। क्यों, क्योंकि डिसीजन आप लोग जिस तरह से स्कूल में या कॉलेज में या स्कूल या कॉलेज या आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं तो आप लोगों के डिसीजन क्लास में जिस तरह से लिए जाते हो बहु इसी तरह से होगी। पर हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास होगी जहाँ पर आप लोग बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल डिसीजन आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर बैठे और समझे इन सब बातों को। पूर्वी गठबंधन अर्थात सोवियत संघ ने 1955 के नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करने के लिए वर्सा संधि की। अब वर्सा संधि किसने किया था, तो याद रखेंगे किसने, मैंने अभी जस्ट बताया था कि सोवियत संघ का मतलब होता है रूस। रूस ने कब इसका स्थापना किया, 1955 में, किस लिए, तो याद रखेंगे किसका मुकाबला करने के लिए, जो नाटो में जो जो देश शामिल थे। क्यों, क्योंकि नाटो का जो संगठन देश था वो सबसे इंपॉर्टेंट देश था, कौन, अमेरिका। तो अमेरिका, मैंने अभी जस्ट बताया, अगर अमेरिका का संगठन करेंगे तो रूस भी तो संगठन को, रूस को भी तो संगठन बनाना होगा, नहीं तो ये शक्तिशाली में क्या होगी, कमजोर पड़ जाएंगे। इस महाशक्ति ने अपने गुट में छोटे छोटे देशों को शामिल करने के लिए शक्ति का भी इस्तेमाल किया। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशियाई तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन संगठनों को सेटो या ये तथा सेंटो कहा जाता है, इन सेटो या इसे हम लोग सेंटो कहते हैं। सेटो तथा सेंटो के जवाब में सोवियत संघ साम्यवादी चीन के वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ मजबूत संबंध बनाए। अब जैसे ही डिसीजन अमेरिका को पता चला कि अब रूस तो एक संधि बना रहे जिसका नाम है वर्सा पैक्ट, बात को समझे ध्यान से, जैसे रूस को, अमेरिका को जैसे पता चला
कि अब तो रूस जो है एक संधि बना रहे हैं, क्या रूस संधि बना रहे जिसका नाम था वारसा पैक्ट। अब उनको अगर ये संधि बनाएंगे तो मेरा पास तो भी एक संगठन बन चुका है, तो फिर हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो भी और हम भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बना रहे हैं, अब हम बनाएंगे दो देश, क्या बनाएंगे, एक सेटो बनाएंगे और एक सिंटो। तो सेटो और सिंटो का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं सेपरेट से आप लोग को लिखाऊँ, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संघ संधि संगठन। सेंटो का सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। ये आपको चारों का चारों फुल फॉर्म आप लोगों को याद करना होगा, कौन कौन सा याद रखेंगे, एक सेंटो, एक सीटो और एक नाटो, तीनों को आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए और इसका गठन भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्ति के बड़े काम के थे। अब जो छोटे छोटे देश जो अमेरिका के ऊपर शामिल होना स्टार्ट हो गया था, तो अमेरिका को कुछ तो प्रॉफिट होगा जिसके कारण से वो छोटे छोटे देश को अपने साथ शामिल कर रहे थे, तो क्या कारण होगा। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, इसी तरह से आपको एग्जाम में पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, लिखने का तरीका मैं भी बताऊँगा। अभी आप लोगों का डेमो क्लास चल रही है, बाकी इसके बाद जो भी क्लासेस होगी वो एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पर आप लोग जल्दी से आप लोग स्टडी करने से पहले एडिशन आप लोग बैच को परचेस कर ले, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए 50% का ऑफर प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप लोग जल्दी से एडमिशन करवा सके। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, भू क्षेत्र, हथियार और सेना का संचालन के लिए। तीन नंबर में दिया सैनिक ठिकाने जहाँ से शक्तियाँ एक दूसरे का जासूसी कर सके, तथा आर्थिक मदद। यह ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्ति के लिए जरूरत बना पड़े। पूंजीवादी, जब पूंजीवादी किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब व्यक्ति अपने संपत्ति का मालिक खुद होता है, जब कोई भी संपत्ति हो जैसे हमारे घर है, ये हमारे बोर्ड है, तो ये हमारे पैनल है, तो ये पैनल का मालिक मैं खुद हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी, ठीक है। अगर खुद का कोई प्रॉपर्टी हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी। समाजवादी, व्यक्ति के संपत्ति सरकार के नियंत्रण में हो। अब कोई भी जैसे डिस्ट्रेन आप लोग, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल कि व्यक्ति के संपत्ति सरकार के नियंत्रण में, उसे हम लोग बोलते हैं समाजवादी। बहुत सारे ऐसा वस्तु है जैसे डिस्ट्रेन आप लोग अगर BSNL का कोई रिचार्ज कराते हैं, जो आप लोगों का वाईफाई लगा है, उनसे पूछिएगा इसका घर में तो उसका वाईफाई का सेंटर लगा हो रहता है, पर इसका जो हैंडलिंग करता है वो करता है केंद्र सरकार। तो याद रखिएगा डिस्ट्रेन, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊँ, पूंजी का मतलब, पूंजीवाद का मतलब होता है क्या, जो अपना सामान का खुद का मालिक उसे पूंजीवादी कहते हैं, और कोई ऐसा सामान हो जिसका सामान तो आपके पास है पर इसका नियंत्रण कोई और कर रहा है केंद्र सरकार से, तो याद रखिए उसे हम लोग बोलते हैं क्या, समाजवादी पार्टी, ठीक है। आगे मूव करते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है, आगे देते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट। यह क्वेश्चन डिस्ट्रेन एग्जाम में हर साल 4 मार्क्स का पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो चलिए देखते हैं, क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप देश है, जो क्यूबा है। इसी तरह से आपको एग्जाम में डिस्ट्रेन एकदम लिखना है क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में, एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स का। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, क्या है, द्वीपीय देश है। यह नज़दीक तो अमेरिका का है लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। यह नज़दीक तो करीबी, तो याद रखेंगे डिस्ट्रेन, ये करीबी तो होता है अमेरिका का, पर वो किसके साथ जुड़ाव रखा था, और रूस के साथ जुड़ाव रखा था, और सोवियत संघ उसे आर्थिक तथा वित्तीय सहायता देता था, और रूस जो है यानी सोवियत संघ जो है वो किसको, क्यूबा को, क्यूबा जो थे उसको आर्थिक सहायता देते थे, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, उन्हें सहायता देते थे। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंतन सताने लगी थी कि अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगी। आप यहाँ पे मेन मुद्दा पे आते हैं, एक एक बात को समझें कि अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह लगने लगा कि क्यूबा तो अमेरिका के सामने है, अमेरिका देश के सामने है, पर इसका जो भी संगठन हो वह हमारे दायरे पे चलती है। अब हम इन सब को नेता को लगने लगा, क्या लगने लगा, तो उनको लगने लगा कि अमेरिका अब क्यूबा पर हमला करेगी, याद रखें हमला कर देंगे। इसलिए 1962 में सोवियत संघ के नेता खुश्चेव, याद रखेंगे डिस्ट्रेन कौन, खुश्चेव ने क्यूबा पर, याद रखें ये जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रेन, सोवियत संघ के कौन नेता थे, खुश्चेव, क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, और उन्होंने कहा कि अच्छा ये हमला करेंगे ना, कोई बात नहीं है, कहाँ से, रूस से परमाणु बम उठा करके कहाँ डाल दिया है, तो याद रखिएगा परमाणु बम डाल दिया कहाँ पे, याद रखिएगा क्यूबा में, ताकि क्यूबा पर अगर अमेरिका हमला करे तो वहां से क्यूबा के जो सैनिक है या नेता है वह हमला कर सकते हैं, किस पर, अमेरिका पर, अमेरिका के खिलाफ, किसके खिलाफ, तो अमेरिका के खिलाफ। इसका पता अमेरिका के
तीन हफ्ते बाद लगा था। और इसका जो पता है कि अच्छा सोवियत संघ ने इस तरह से क्या है, हमारे देश के सामने हमारे देश है और वो नियंत्रण कर रहे हैं, और वो भी परमाणु बम को हमारे देश के सामने के देश को दे दिया है, किसको, क्यूबा को। ऐसा लगने लगा कब, अमेरिका को, तीन हफ्ते बाद। और दोनों देशों के बीच युद्ध माहौल बन गया था। अब दोनों देशों के बीच युद्ध माहौल बन गया था जिससे पूरी दुनिया डरी सहमी हुई थी और पूरी दुनिया अब डर गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि झगड़ा तो दो से चार देशों के बीच होती है, लेकिन इसका हानि जो है ना पूरे विश्व को उठाना पड़ता है। अब पूरे विश्व को ये लगने लगा कि अगर इन दोनों झगड़ा लड़ेगी तो पूरी दुनिया डरी और सहमति थी। अब दोनों पूरा विश्व का सभी देश को डर लगा हुआ था। आगे देखते हैं कि क्यूबा में तैनात मिसाइल से अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया था। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की रतफ जाने रास्ता जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इन देशों महाशक्ति के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा, और ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा। आगे देखते हैं, युद्ध होकर रहेगा। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। क्यूबा जो मिसाइल संकट है वह शीत युद्ध का चरम बिंदु, क्यों, क्योंकि शीत युद्ध का मतलब होता है युद्ध की स्थिति में आ जाता है पर युद्ध नहीं होते, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शीत युद्ध। हालांकि इससे दोनों महाशक्तियों के मध्य कोई व्यापक रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा और दुनिया तीसरा विश्व युद्ध से बच गया, और दुनिया जो है तीसरा विश्व युद्ध से बच गया, क्योंकि विश्व युद्ध रेस्टोरेंट पहला जो विश्व युद्ध था, नोट कर इस बात को, पहला विश्व युद्ध हुआ था वह याद रखेंगे 1914 से लेकर 1918 के बीच, दूसरा विश्व हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। इन दोनों को बात को आप लोग याद रखें, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945, ठीक है। इसी घटना को क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, और इसी घटना को क्यूबा के मिसाइल संकट के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी गठबंधन का अनुयायी अमेरिका कर रहा था, जो उत्तरवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था, तथा पूर्वी गठबंधन का अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था जो समाजवादी और साम्यवादी पर आधारित थे। ये सब आपको, अगर क्यूबा मिसाइल संकट पर टिप्पणी आ जाए तो आपको लिखना होगा। आप लोगों के एडिशन, कोई भी बंदा जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, यानी हमारे एप्लीकेशन का मतलब होता है मिसाइल क्लासेस, एकदम मिनिमम से मिनिमम फी एडिशनल क्लास 12 की तैयारी, आप चुटकी भर एडिशनल मिनिमम से मिनिमम में घर बैठे क्लास 12 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। साल भर में एडिशनल आपको एक बार पेमेंट करना है, कितना रुपया, लगभग आप मान के चले 370 रुपया, और क्लास 12 की पूरा का पूरा तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का फी ओनली फॉर 370 है। अब देखते हैं अगुवाई की गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। अब देखते हैं हम लोग कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसा देश था जो अपने को दोनों महाशक्ति से दूर रखना चाहता था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था, इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। चलिए साधारण भाषा में देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किसे कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान कुछ ऐसे देश था जो अपने देशों को महाशक्ति से दूर रखना चाहता था। विश्व में बहुत सारे ऐसा देश था जब अमेरिका और रूस को अपने अपने छोटे छोटे देशों को अपने देशों में शामिल करना चाहते थे। उस समय बहुत सारे ऐसे देश थे जो क्या थे, वह गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में शांति था, और वो चाहते थे कि हम दोनों देश में ऐसे किसी भी देश में हम लोग शामिल नहीं होंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ शांति से रहेंगे, इसी को हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जन्म में युगोस्वासिया के जोसेफ ब्रोज टीटा, सबसे याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है ये टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू मित्र के जमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकरोन और घना के वामे इंक्रोमो ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये पाँच नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1921 बेलग्रेड में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितना सदस्य देश थे, 25 सदस्य देश शामिल थे। 2019 में अजरबैजान में हुई 18वीं सम्मेलन, कुछ सदस्य देश की संख्या कुल देशों की संख्या होगी 120। पहले कितने देशों की संख्या थी, तो उस समय देशों की संख्या थी कितना, तो 25। अब जो इसके देशों की संख्या हो गई है 120।
चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता। ये जो है ये आपको की पॉइंट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता का नाम बताएं। जोसेफ ब्राज टिटो कहाँ के थे? गुलवासिया के, जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे इन इजिप्ट, और सुकरानो इंडोनेशिया के थे, बामे एनक्रुमा घाना के थे इन लड़ाकू राज्य था, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेशन, यहाँ पे गुट निरपेक्ष सम्मेलन में तीन बातें परिणति थी, परिणति अर्थात केंद्र बिंदु थी। आप देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो गुट निरपेक्ष थे इसके तीन बात जो है ना, तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ध्यान से देखें। इन पांच देशों के बीच सहयोग था, इन्हें पांच देशों के बीच सहयोग थे, कौन कौन? अभी जस्ट हम लोग देखे थे इंडोनेशिया, भारत, इजिप्ट, सब देखे हम लोग। पॉइंट नंबर टू, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र देशों का नाटकीय उद्देश्य। आगे देखते हैं कि भारत और शीत युद्ध, अब भारत में शीत युद्ध किस तरह से बढ़ा, कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत के दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। पहला, उत्तर भारत को दोनों महाशक्ति की खेमाबंदी से अलग रखा। दूसरा स्तर, भारत उपनिवेश के चुगल से मुक्त हुए नौ स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने पर का पुरजोर विरोध किया। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, भारत की नीति पॉलिसी ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्कार्य यानी सकारात्मक थी, बल्कि भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों का कम करने की कोशिश की। और जो दोनों देश थे ना, एक था अमेरिका और एक था रूस, दोनों देशों में से भारत किसी भी देश में शामिल नहीं हुआ, इसलिए रेस्टोरेंट कहा जाता है कि भारत दोनों देशों में शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने दोनों देशों में शामिल नहीं होने के बावजूद भी दोनों देशों को रेस्टोरेंट समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा युद्ध ना करें कि जैसे पूरे विश्व में से किसी भी देश को क्षति हो। गुट ने दोनों गुट भारत के संधि की नज़र देखता था। भारत की गुट निरपेक्षता नीति के कई कारण से आलोचना की गई, जिसे कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधन के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचाता है। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ से आपसी मित्रता के संधि पर हस्ताक्षर किए, जबकि गुटनिरपेक्ष का आशय यह है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी शक्ति का पिघु लघु की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। नाटो का फॉलोवर नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, सेटो का साउथ ईस्ट एशियाई ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो का द सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सीमित परमाणु परीक्षण, अब हम लोग देखते हैं परमाणु परीक्षण क्या होती है, ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु परीक्षण किसे कहते हैं, तो चलिए एक एक बात को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सुमित परमाणु परीक्षण संधि यानी इसको हम लोग बोलते हैं LTBT, क्या बोलते हैं LT, याद रहेंगे LTBT, CBT इसको बोलते CTBT इसको हम लोग बोलते हैं, गलत लिखा CTBT, याद रखिए। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले इन संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ थे। परमाणु अपसरण संधि जिसे हम लोग बोलते हैं NTPT, क्या बोलते हैं NPT, यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एंटीमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसा हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अपसरण संधि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति को से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोट परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया है। इस परिभाषा के अंतर्गत पांच देश अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इन संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मास्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावित हुई। इस संधि को 1955 के अनियंत्रित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये है आप लोगों का सीमित परमाणु परीक्षण यानी किस देश में परमाणु परीक्षण करेंगे। तो याद रखेंगे ये पांच देश का जो मैं आप लोगों का अभी जस्ट नाम बताया डॉक्टर, ये पूरे सेंटेंस में आपको सिर्फ पाँचों देश का नाम रखना है, कौन कौन? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन,
इन पांचों देश का नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए। इन पांचों देश के नाम आपसे पूछे जाते हैं कि परमाणु परीक्षण में कौन कौन से देश शामिल थे, तो याद रखेंगे अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, चीन। आगे देखते हैं, आगे डिस्टन आप लोगों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आप अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे शीत युद्ध क्या है। अगला जो वीडियो होगी डिस्टन, उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध के बाद कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुटनबर्ग आंदोलन से हम लोग क्या समझते हैं, ये सब हम लोग थ्योरी सेक्शन में देखेंगे। गुटनबर्ग आंदोलन का क्या उद्देश्य था, इसको गुटनबर्ग आंदोलन का बनाने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए डिस्टन, हम लोग पहले इस वीडियो के बाद हम लोग देखते हैं एमसीक्यू।